किसान बिल के विरोध में ताजनगरी आगरा में किसान नेताओं और समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय की ओर कूच कर रहे कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं से पुलिस की जोरदार भिड़ंत हुई। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। कृषि बिल के विरोध में सपा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। सपा ने थाना ताजगंज क्षेत्र से जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय की तरफ कूच किया, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जिला मुख्यालय जाने से पहले ही सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, आज पूरे देश में जिस तरीके से किसान आज जिला मुख्यालयों पर धरना देना था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी समाजवादी लोगों को जिला मुख्यालय पर धरना दे रहा था। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, ये हिल्लाशाही सरकार ने पूरे प्रदेश के साथ साथ आगरा में भी हमारे सुबह घर पर पुलिस लगा के नज़रबंद करने का काम किया। सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आ गए निवास पे। हम लोग जिला मुख्यालय के लिए निकले हैं, प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा है, इस वजह से हम लोग चौराहे पे सड़क पे धरने पे बैठे हैं। हमारी मांग है कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने अन्नदाता किसान भाइयों के पक्ष में जिला मुख्यालय पर धरना दें, अपनी बात रखें। किस तरीके से किसानों के ऊपर एक अंधा कानून, एक गलत कानून उनकी नस्लों को खराब करने के लिए, नस्लों को खराब करने के लिए उन पे हिंदुस्तान के उद्योगपतियों का कब्जा कैसे हो, ये कानून बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, उसके ही विरोध में आज समाजवादी लोग जिला मुख्यालय पर जा रहे थे। हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को घर पर नज़रबंद करने का काम किया। आज हम लोग रोड पर बैठे हैं और हमारी मांग है और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमें अपने लोकतंत्र के अधिकार का पालन करते हुए उसके अंतर्गत हमें जिले मुख्यालय पे जाने की इजाज़त दी जाए। प्रशासन नहीं दे रहा है, इस वजह से हम लोग सड़क पर धरने पे बैठे। भारत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का जो वादा किया था, उसी को लेकर आज हम अपनी गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है, ऐसी दमनकारी सरकार आज तक के इतिहास में नहीं चली। अगर कांग्रेस चाहती, वो अगर आंदोलन रोकती, तो आज देश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, सपा की सरकार होती। की तानाशाही, हमें धरने से रोका जा रहा है और हमें जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जा रहा है, लेकिन हम भी रुकेंगे नहीं। हमने भी कह दिया है कि या तो हमें वहाँ जाने दीजिए, नहीं तो हम गिरफ्तारी देने से भी आग छुड़ेंगे नहीं। देखिए, जब से हम लोगों को ये सूचना मिली है कुछ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, पुलिस को कल रात ही से बहुत एक्टिव किया गया था, सभी के ऊपर नज़र भी रखी जा रही थी। अभी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया होगा हरिपुर, उनको पर्यटन थाने में ले जाया गया है। बाकी अन्य जगहों पे भी ज्ञापन शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने सबमिट किया है, दिया गया है, और साइबर और सर्वेलांस के माध्यम से भी लगातार जो है सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। कोविड को लेकर अभी वो थाने ले जाया गया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वैधानिक वो की जाएगी।